डियर स्टूडेंट्स, 10 नए टॉपिक्स एक सेट के साथ आज फिर आ चुके हैं। हालांकि हमें ये भी पता चल रहा है कि काफ़ी सारे लोग आप कंसर्न्ड हो रहे हैं कि पिछला टॉपिक्स वे भूलते जा रहे हैं। ये देखिए, एक साधारण सी बात है, कॉमन सा कंसेप्ट है कि आप छोड़ देंगे जब चीज़ों को तो आप भूल जाएंगे। तो दरअसल रिवीजन की कमी से ऐसा होता है। आप नेचुरली 10-10 टॉपिक्स डेली कर रहे हैं तो पीछे के पढ़ने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ये तो बात है। हालांकि इसमें आप एनी हाउ 2 टॉपिक्स पीछे के ज़रूर ऐड करें। साथ ही आप ये जान लें कि पूरा जो 1 मंथ है हम लोग लास्ट का, वो रिवीजन पे फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि अगर ये रिवीजन नहीं होगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो एक पूरा महीना हम लोग रखेंगे रिवीजन पे। आई होप कि ये काम करेगा, रिवीजन आपका नहीं हो रहा ये हम समझ रहे हैं। और साथ में ये आप मान कर चलें कि रिवीजन थोड़े बहुत 2 टॉपिक्स कम से कम 2, एक देखिए क्राउन जो हमने आपको दिया है लूसेंट में 1 या 1.5 पेज है बहुत सारे टॉपिक्स। अब देखिए, आज ही आपको मुगल हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1 पेज में या 1.5 या 2 पेज, वो भी क्या छोटा पेज है। तो थोड़ा सा रिवीजन को आप फास्टन करें, वो काम करेगा। ये तो है कि आप चीज़ों को भूल रहे हैं और ये चिंताएं दे रहा है आपको। तो इसका हम लोग लास्ट 1 मंथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें रिवीजन मैक्सिमम करें, क्योंकि नेचुरली आपके पास टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। चलिए देखते हैं कि आज के 10 नए टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देखिए, आज मुगल हम लोग शुरू कर रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा अगर इस बार मेडिवल से थोड़ा सा क्वेश्चंस बढ़ाता है तो ये सब सेक्शंस हमें अच्छे से करने हैं। बाबर, अगर आप जिस गाइड बुक की बात करें, कंसाइज वे में उसमें कंटेंट है मात्र 1 पेज में, 1 से 1.5 पेज में ये दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा कहानियों को हमें पढ़ना भी नहीं है। तो बाबर आप करेंगे, मुगल का जो आरंभिक काल है ये बाबर से शुरू होता है। इसका देखिए मूल नाम क्या था, ये कहाँ से आया था, 4 इसके महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जो 4 इसने मेन मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी उस पर आपको फोकस करना है। खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में ये लेखक भी था, राइटिंग भी करता था, तो ये इसने जो बाबरनामा लिखा किस भाषा में लिखा, मुबैयान क्या था, इसने एक नई शैली प्रस्तुत की, तो ये सब समझना है। साथ ही स्रोत देखिए, क्राउन में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये यही बात है कि क्राउन कभी कभी हमें बहुत इंप्रेस करता है। क्राउन में मेडाइवल का ये स्रोत दे दिया है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके जो सोर्सेज हैं मेडाइवल इंडिया के, उसके स्रोत इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, मुंतखब तवारीख ये क्या है, ये इसके लेखक कौन है, मुंतखब लुबाब, तो ये सब आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स जो सोर्सेज के रूप में है वो दिया हुआ है। साथ ही कुछ अंग्रेज यात्री जो इस समय आए वो भी यहीं पर दिया हुआ है क्राउन में, ये बड़ा अच्छा हमें लगा। क्लोसेंट में भी ठीक ठाक है, बट और यूनिक में थोड़ा सा वही है कि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो जिनके पास यूनिक है एनीवे ये कवर करें, बहुत कंसेप्चुअल है तो ये सब आप करें। उसके बाद देखिए, हमने मॉडर्न में ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्टेन किया है, फिर से इसको आज हमने छोड़ दिया है, आप इसे फिर से पढ़ें या नहीं पढ़ा तो पढ़ें। जैसे कि एक क्वेश्चन हमें बताएं कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, सोच लीजिए, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। अब इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, भागीरथी नदी। काफी लोगों ने इस पर प्रश्न उठाया कि भागीरथी नदी ये तो उत्तराखंड में है, यहां कहां से आ गई, तो ये लोकल नेम है, ये क्षेत्रीय नाम है। यहाँ पर ये आपको नदिया ज़िले में ये जो मुर्शिदाबाद के पास ये जो भागीरथी नदी है, ये गंगा की सहायक नदी के रूप में छोटी सी स्थानीय रिवर, स्थानीय नाम है, ये उत्तराखंड वाली भागीरथी रखनंदा नहीं है, तो ये समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPCS में ये प्रश्न आया था कुछ सालों पहले और तब भी लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो गए थे, कोई गंगा मार रहे हैं कोई हुगली मार रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। एनीवे आइए, उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे यूरोप और उत्तरी अमेरिका। देखिए, ये यूरोप तो ठीक ठाक उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तरी अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरियस घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में आपको मिलते हैं, तो ये सब जो रॉकी पर्वत हैं इसके बहुत सारे ऐसे झील हैं, ये सब आपको समझना है, बड़ी बड़ी नदियां हैं मिसिसिपी, तो ये सब आपको उत्तरी अमेरिका अच्छे से करना है। कल हम लोग दक्षिण अमेरिका करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक साथ करना है। उसके बाद देखिए, हमने खनिज लिया है मिनरल्स में। अब देखिए, ये खनिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से एक्चुअली पढ़ना चाहिए, एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो टाइम हमें उतना मिल नहीं पा रहा है,
अब देखिए, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक, और फिर साथ में जो दूसरे जो ऊर्जा खनिज हैं, एनर्जी मिनरल्स, उसे आपको इस तीनों में पढ़ना है। इसमें कल भी हम सस्टेन करेंगे, ये टॉपिक कल भी रहेगा, यानी दो दिन इस टॉपिक को मिलेगा। इसमें आपको धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज तीनों पढ़ना है। भारत में कहाँ इसका अधिकतम उत्पादन है, विश्व में कहाँ है, ये सब ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। लोहे का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है, विश्व में कहाँ होता है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको मिनरल्स पढ़ना है। थोड़ा सा नेट का भी यूज़ करें। बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स जो हैं, उन लोगों ने इस पर अच्छे कंटेंट डाले हुए हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट, आइए दहन और ईंधन। केमिस्ट्री में हमने फ्यूल एंड कम्बशन हमने लिया है। दहन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब आपको कोयला, पेट्रोलियम, ये सब मिलेगा। तो इसे आपको पढ़ना है किस तरह से इसका ये, आप देखिए दहन जो है वो पांच प्रकार के लमसम, मोटे तौर पर पांच प्रकार के दहन कम्बशन हमें देखने को मिलते हैं। धीमा दहन है सांस लेना, कम्बशन प्रोसेस है। लोहे में जंग लगना, ये धीमा दहन है, स्लो कम्बशन प्रोसेस है। तो ये सब आपको पढ़ना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिल जाता है तो विस्फोट की स्थिति आ जाती है, तो ये विस्फोटक के रूप में भी आपको पढ़ना है। तो कम्बशन प्रोसेस में विस्फोटक भी एक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। अनुवांशिकी जैसे जेनेटिक्स, ग्रेगर मेंडल का जो इसमें डिस्कवरी है वो आपको पढ़ना है। जेनेटिक्स में अनुवांशिकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने जैव विकास, इवोल्यूशन पढ़ा था, डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था, और आज ग्रेगर मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़ना है। इवोल्यूशन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए आपात उपबंध। पॉलिटी में हमने ये आपका इमरजेंसी लिया है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीन प्रकार की इमरजेंसीज हैं आपको, राष्ट्रीय आपात, राज्यों में राज्यपाल का शासन, जो राष्ट्रपति शासन है, ये भी आपात की स्थिति है, राज्यों में आपात कहलाता है, और वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कौन से आर्टिकल में है, इसके क्या क्या क्लाउज हैं, कितने महीने के अंदर संसद में इसे हमें पास करा लेना होता है, कितने महीने तक ये वैलिड होता है, अध्यादेश की स्थिति में क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। बिहार के, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा, बिहार में राज्यपाल शासन यानी राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा, किसके शासन में लगा, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद देखिए नीति आयोग, हमने नीति आयोग लिया है आपको इकोनॉमी में, ये इन बुक्स में नहीं मिलेगा, इसे आपको नेट से सेपरेटली पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग क्या है, इसके चेयरमैन कौन होंगे, इसका अभी उपाध्यक्ष कौन है, डिप्टी चेयरमैन, फंक्शंस क्या हैं, नीति आयोग करता क्या है। उसके बाद आ जाइए भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, मिसाइल जो प्रोग्राम है हम लोगों का, ये हम लोग करेंगे। कल हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी किया था, आज मिसाइल टेक्नोलॉजी करेंगे। इसमें आपको भारत का जो रक्षा कार्यक्रम है उसे, उसमें मिसाइल, पहला मिसाइल कौन था, कौन अग्नि का क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सब ध्यान में करेंगे। और बिहार का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्राउन में बहुत अच्छा दिया है, हम कई बार क्राउन का नाम ले लेते हैं, ये इसलिए कि इसमें कंटेंट हमें मिल जाता है। देखिए क्राउन इसमें बिहार का, बिहार के बनने की स्थिति, बिहार का जो निर्माण की स्थिति है, किस तरह से ब्रिटिश काल से लेकर पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जब आई, यूरोपियंस जब आए, और उसके बाद से लेकर बिहार के बनने तक की स्थिति आपको इसमें पढ़ना है। पेजेस नंबर हमने क्राउन के दे दिया है। लुसेंट में भी हमें सुनने में मिल रहा है कि लुसेंट हमारे पास नहीं है, लुसेंट का बिहार भी अच्छा है, स्पेशल बिहार जो है वो भी हमें कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा है, तो वो भी आप अगर आपके पास है तो उसे आप फॉलो करें। अदरवाइज इम्तियाज अहमद अच्छा है, KBC नैनो है, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाइए दिवस है, मई दिवस इस बार हम लोग ले रहे हैं। दिवस को आप इग्नोर ना करें, एक क्वेश्चन आप डेज से रहेगा। देखिए उपभोक्ता अधिकार अधीन दिवस, पृथ्वी दिवस, जनसंख्या दिवस, तो ये सब तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन पूछ देगा सिविल सर्विसेज डे, तब ये आ चुका है। तो आप इस तरह से डेज को इग्नोर ना करें, 5-7 मुश्किल से निकल कर आते हैं, 24 घंटे में किया जा सकता है, और फिर रिवीजन का टाइम भी मिलेगा, तो ये आप डेज करें। तो बस आज के ये टॉपिक्स यहीं तक रहेंगे, उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आप कर पाने की स्थिति में होंगे। अगर 3-4 घंटे भी जो निकाल लेते हैं वो भी इसे कर सकते हैं, 1.5-2 पेजेस के ये सेक्शंस हैं, और थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो नेट का यूज़ करें। टेक केयर।